sende ağlasam da ne yarar? Asırlardır yaka mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Keçilerde kaçacak doğal olarak. भाई बाहर टैक्सी खड़ी है, कुछ पैसे मिलेंगे क्या? यशम क्या हुआ? क्या मतलब कि क्या हुआ है? जो होना था हो गया, इस शख्स ने सब खराब कर दिया। यशम, कुछ पहनो जाकर, मुझे तुम्हारे ये कपड़े फाड़ने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हें कितनी आराम से समझा रहा हूँ। डेफने, फौरन जाओ और इसके कोई कपड़े लेकर आओ ढंग के। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं। डेफने, मैं अच्छी लग रही हूँ ना मेरी जान, बताओ? अरे तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अभी तो शादी में इतने दिन बाकी हैं और इस तरह से तो ये गंदा हो जाएगा। बेहतर है कि जल्दी से चेंज कर लो। जाहिर है मैं शादी पर यही पहनूंगी। दानिया, तुम्हें कैसा लग रहा है ये ड्रेस? मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सोंगल, अब जरा तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे आप तो वाकई में प्रिंसेस लग रही हैं यशम मैम। हाय, बहुत शुक्रिया लड़कियों, मगर ये बात इन लड़कों को समझ नहीं आती। यशम, तुम्हें यहाँ सब देख रहे हैं। मुझे परवाह नहीं सुना, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, खुद देख लो, सब तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना? तुम बताओ, और ईमानदारी से, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या इसको ये कपड़े पहनने देते? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये की ना बात तुमने, ये की ना बात। यार भाई, क्या हो गया यशम? क्या तुम्हें कुछ ढंग का पहनने के लिए नहीं मिला? हाँ यार, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा है वो, क्या है ये? दानिश, अब तुम बताओगे, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे इस बात का जवाब देना, तुम्हें ये कपड़े ढंग के लग रहे हैं? हाँ, वैसे इसमें थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन परेशानी की बात नहीं। वैसे भी इसकी शादी भी एक ही बार होनी है तो। एक बात का जवाब मांगा है, ज्यादा इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। ओ, तो पार्टीबाजी होगी अब। चलो लड़कियों। हम लोग चार हैं और तुम लोग सिर्फ दो। दानिश, तुम ना रेफरी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फजूल की बहस बंद करो। फजूल की बहस? हाँ, देखो बात सुनो मेरी, मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं, सुन लिया तुमने? मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक कहा सिनान तुमने, कोई तुम्हारे साथ नहीं, खास करके इस मामले पर तो बिल्कुल भी कोई नहीं, क्योंकि तुम हमेशा यही करते हो। बस बस, बहुत हो गया। बस नहीं हुआ भाई, आपने वो जो दो दुनियाओं की बात की थी ना मुझसे, बिल्कुल ठीक कहा था। ओहो, तो मतलब आप मेरी दुनिया में खुश नहीं है यशम मैडम? बिल्कुल भी नहीं सिनान मेरी जान, तुम्हारी दुनिया से मुझे डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ वापस। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए सिनान साहब, अपनी दुनिया को मेरे शादी के ड्रेस से दूर रखो। ठीक है, अब ऐसा है कि इसी ड्रेस से शादी कर लेना। ड्रेस क्या तुम्हारे बजाय अगर जूती से भी शादी करना पड़े तो करूंगी। कुछ भूल रहे हो? Thank you.
क्या कर बैठी है ये लड़की, बेवकूफ को कौन समझाएगा? या अल्लाह, चलो जल्दी जाकर समझाते हैं हम लोग इसे।